हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल टैरो। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सुष्मिता। तो आज हम करने वाले हैं टॉरस नवंबर 2022 की रीडिंग। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको मेरी तरफ से सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें। अगर आपको मंथली वीडियोस, हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप्स और डेली शॉर्ट्स जिसमें कि रिलेशनशिप गाइडेंस, कोचिंग और बहुत कुछ रहता है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको हर एक पॉसिबल सिचुएशन में बीट करियर बीट रिलेशनशिप गाइड करना। ओके, सो शुरू करते हैं। टॉरस, अगर आप अपनी एनर्जी इस डेक पे फोकस करेंगे व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपको हम बेस्ट मैसेजेस दे पाएंगे। एनर्जी को अलाइन करना टैरो में बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज यहाँ पे हम कुंडली और डेट ऑफ बर्थ तो यूज़ नहीं करते हैं, हम एनर्जी रीडिंग्स करते हैं। ओके, तो आप अपनी एनर्जी इस डेक पे फोकस करिए ताकि मैं आपके लिए मैसेजेस निकाल सकूँ। इस रीडिंग में हम करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और एंजेलिक मैसेजेस देंगे। अगर आप किसी भी एक सेगमेंट को या पार्ट को दोबारा देखना चाहते हैं या आप पहले देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प से आप चेक कर सकते हैं। ओके टॉरस, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि फिर जो इंटरलिंक फैक्ट्स हैं, बीच के जो फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि जनरल एनर्जी कैसी है नवंबर की फॉर टॉरस। यह द नाइन ऑफ कप्स, खुश हैं आप। करियर में थ्री ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप में टेन ऑफ सोर्ड्स एंड आपकी हेल्थ में है फाइव ऑफ कप्स। ओके, एट ऑफ कप्स है, सॉरी, हेल्थ में तो एट ऑफ कप्स। यहाँ कर देती हूँ, अब सारे कार्ड्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टेन। वाह, ओवरऑल एनर्जी तो काफ़ी हैप्पी मुझे दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में टॉरस आपने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी इन्जॉय किया। टेन ऑफ कप्स है यहाँ पे जो मुझे बताता है कि होम लाइफ, फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ बहुत पीक पे हैं। अक्टूबर की हैप्पी एनर्जी नवंबर में भी मुझे आती हुई दिखाई पड़ती है। आप कुछ स्पिरिचुअल कामों में भी इन्वॉल्व थे ऐसा लगता है, या तो नवंबर में प्लान कर रहे हैं। ओके, काफ़ी बैलेंस्ड है आपके इमोशंस। एक कंप्लीट फैमिली, उसका आपने मज़ा लिया है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। मुझे लगता है नवंबर में भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके पास आए, अगर अक्टूबर में नहीं आ पाई थी तो नवंबर में आके रहें आप लोग टॉरस एंड आप लोग सब बहुत एंजॉय करेंगे। ये परफेक्ट फैमिली टाइम वाली बात है जहाँ पे घर के बुज़ुर्ग, यंग, बच्चे, पेट सब एक साथ होते हैं। ओके, टेन ऑफ कप्स ये बताता है। ओके, जनरल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है टॉरस, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके करियर में। करियर में मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्शन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखता। जो पास्ट का जो काम चला रहा था उसमें स्टेबिलिटी है और वो आप आगे चलाते रहेंगे। फ्यूचर में कोई प्लान है अभी तो नहीं फ़िलहाल, लेकिन हाँ फ्यूचर में ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कुछ रिसोर्सेज का किसी का इंतज़ार है, ये कोई स्किलफुल इंसान हो सकता है या दिस कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी या मनी, मनी भी हो सकता है क्योंकि मनी को लेके यहाँ पे हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है। आप काफ़ी हार्डवर्किंग हैं, करियर फोकस्ड हैं, लेकिन नवंबर में मनी की एनर्जी तो नहीं दिखती है मुझे। दिस इज़ मोर अबाउट इमोशंस एंड आपकी फीलिंग्स। नवंबर में यही आपके ऊपर हावी रहेंगी। कहीं ना कहीं करियर थोड़ा सा एक बैक सीट भी लेता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू टॉरस। ओके, आगे चलते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में टेन ऑफ सोर्ड्स मुझे बोलता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन ऐसा आता है फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट, तो उससे थोड़ा दुख आपको होगा। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे पॉसिबल हैं आपके पार्टनर के साथ, या हो सकता है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है मुझे ऐसा लगता है।
टेन ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है कि कुछ हेल्थ में इशू हो सकता है, आईज में कुछ इशू हो सकता है, टीथ एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं आपके ऊपर ना निकाल दें। हो सकता है कि आपके पार्टनर एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। किसी बात को लेके ये हर्ट भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मैं बोलूंगी कि ये सही टाइम नहीं है अप्रोच करने का एक नए पार्टनर को। अगर आपके मन में फीलिंग्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा टाइम के लिए रुक जाइए। हो सकता है कि वो किसी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जो अभी आपको नहीं पता और काफ़ी परेशानी में है, तो उनका एज अ फ्रेंड बन के उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। अभी आप एक रिलेशनशिप की तरफ उनके साथ कदम ना बढ़ाएं। अगर रिलेशनशिप आपकी स्टेबल है, मैरिड है, कमिटेड है आप काफ़ी टाइम से, तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा बेनिफिट दें डाउट का कि और भी कोई दिक्कत हो सकती है उनके साथ, आप नहीं हैं वो कारण जिससे वो परेशान है, ठीक है? क्योंकि आपकी तो मैं देखती हूँ काफ़ी हैप्पी एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ अपने फूड हैबिट्स पर कंट्रोल करिए। ज़्यादातर सभी लोगों के लिए यही आ रहा है, दिवाली पे कुछ जम के कुछ खाया है, बढ़िया बढ़िया, दैट्स ओके। लेकिन अब नवंबर में अपनी हेल्थ पे आप दोबारा से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। एट ऑफ कप्स हमें ये बताता है। चलिए अब देख लेते हैं आपका एंजेलिक मैसेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर टॉरस। Okay, we have all paths lead home. Fall into my arms. Okay. All paths lead home. अगर आपको ऐसा कुछ confusion लगती है कि यहाँ पे कुछ change है, कुछ अपना सा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लगता है कि ये सही जगह है ही नहीं, आप यहाँ पे fit नहीं हो पा रहे हो, हो सकता है कि कोई ऐसी location हो, ऐसा घर में environment हो गया हो या आपके partner के साथ हो गया हो, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। आपके इंट्यूशन आपको एकदम सही गाइड करेगी। और बाकी मैसेजेस तो मैं आपको रिलेशनशिप के लिए दे ही चुकी हूँ। अगर आपको कुछ जज करना है तो आपके पार्टनर को जज नहीं करना है, आपको उनके इमोशंस को समझना है, साथ ही में अपने इमोशंस को भी जज करना है। कहीं आप उनसे गुस्सा तो नहीं, ये जो नई फीलिंग है अचानक से, जो चेंज है, आप इसमें सपोर्टिव बनिए ना। आप अपने एक्शंस को जज करिए और उनके इंटेंशंस को। ये है आपके लिए नवंबर की रीडिंग टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जो डिटेल्स दिए हैं उससे मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपके साथ एक रीडिंग भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय।